नमस्कार, मेरी रुचि में आपका स्वागत है। मैं आज चीज़ पराठा बनाऊंगी। ये पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है। आइए देखते हैं चीज़ पराठा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चीज़ पराठा के लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया, 100 ग्राम आटा लिया, गेहूं का आटा, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया और मोजरेला चीज़ लिया। आइए अभी डो तैयार। मैदा ले लिया, आटा ले लिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिला दिया इसको मैंने, तेल डाल लिया मैंने। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से तेल मिला लिया, अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे। इसका डो ना टाइट ना पतला बनना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है हमको। इसका डो बन गया, अभी इसको हम थोड़ा सा तेल हाथ डाल के ऊपर से ढक के आधा घंटा के लिए रख देंगे। इसको ऐसे रख दिया कि थोड़ा सा तेल हाथ में लेके ऐसे करके इसको हम ढक के रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अभी हमारा डो तैयार होगा। कितना अच्छे से फूल गया है, इसको थोड़ा अच्छे से मसलना है, फिर इसका गोला बना लेना है। अब एक गोला ले लिया मैंने, इसको ऐसे अच्छे से मसल के इसको भी बेलना है हमको। पतला बेल दिया, देखिए अंदर से मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे उंगली एकदम से पतला बेला है इसको। एक साइड ऐसे फोल्ड किया मैंने, दूसरा साइड भी, जो चीज़ रखा था उसको डालेंगे बीच में। आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए तो ज़्यादा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, इधर से ऐसे फोल्ड करना है, फिर साइड को दबा देना है, नहीं तो गीला हाथ करके ऐसे जैसे हमारा परोठा ना खुले। इसी प्रकार सारा परोठा हम बना लेंगे। अभी गैस में तवा बिठाती हूँ, हमारा तवा गर्म हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। ये पतला है, बहुत जल्दी बन जाता है। गैस हम में रखे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम। दूसरा साइड भी हम डाल देंगे। कितना अच्छे से बन रहा है हमारा चीज़ पराठा। इसी प्रकार देखिए हमारा चीज़ पराठा बनके तैयार है। इसको कोई भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है।
और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, इसको बनाइए, खाइए और आपका अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।